हिस्ट्री चैप्टर 2 डिस्क्राइब ब्रीफली द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कैरीड आउट बाय द नाजीस। डिस्क्राइब ब्रीफली संक्षिप्त रूप को आप संक्षिप्त रूप में आपको वर्णित करना है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कैरीड आउट बाय द नाजीस। नाजीस के द्वारा जो ह्यूमैनिटी के विरुद्ध में जो अपराध किए जा रहे थे उनको आपको वर्णित करना है। आंसर फर्स्ट पॉइंट है वेरियस थ्योरीज। नाजीस स्टार्टेड यूजिंग थ्योरीज ऑफ डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर टू प्रोपोगेट अगेंस्ट द ज्यूज। नाजीस ने डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी को अपनाकर ज्यूस लोगों के खिलाफ ज्यूस लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। सो पीपल स्टार्टेड जस्टिफाइंग दियर हेट्रिक फॉर ज्यूस और लोग वहाँ की जर्मन की पब्लिक में इस तरह की भावना बनती थी जिससे कि वो ज्यूस लोगों से हेट नफरत करने लगे। एज दे वर कंसीडर्ड एज इंफीरियर रेस जैसा कि ज्यूस लोगों को बहुत ज़्यादा छोटी जात का माना जाता था। एंड हैड टू नो राइट टू सर्वाइव अकॉर्डिंग टू दीज टू थ्योरीज और ज्यूस को कोई अधिकार नहीं था हैव नो राइट टू सर्वाइव अपना जीवन बिताने का जिस तरह से ये दो थ्योरीज के लोग अपना जीवन बिता रहे थे ज्यूस को इस तरह से अपना जीवन बिताने का भी अधिकार नहीं था। इन ह्यूमन प्रैक्टिस एट स्कूल लेवल द नाजीस स्टार्टेड दियर प्रोपोगंडा फ्रॉम द स्कूल लेवल। नाजीस लोगों ने अपना प्रोपोगंडा स्कूल लेवल पर भी फैला रखा था। ऑल द ज्यूस टीचर्स वर डिसमिस्ड सारे ज्यूस टीचर डिसमिस कर दिए गए थे स्कूल से। स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटन बाय जस्टिफाई द नाजी आइडियाज ऑफ रेस और नाजीस आइडियोलॉजी को लेकर सारी बुक्स दोबारा लिखी जाने लगी थी। थर्ड इन ह्यूमन प्रैक्टिस एट होम घरों में भी उनके साथ दूसरा व्यवहार हो रहा था। मदरहुड वाज आल्सो यूज्ड बाय नाजीस टू प्रोपोगेट अगेंस्ट द ज्यूज। ऑल द गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस सब सारी लड़कियों को केवल अपनी जात को बनाए रखना था। मदर्स वाज सपोज्ड टू टीच देयर चिल्ड्रन केवल औरतें अपने बच्चों को घर में रहकर पढ़ा सकती थी। नाजी वैल्यूज के अनुसार देयर वाज ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल द वुमेन दोज हु मेंटेन कॉन्टेक्ट विद ज्यूस वर पनिश्ड और जो औरतें ज्यूस से कॉन्टेक्ट रख रही थी उनका संबंध अगर ज्यूस से था तो वो औरतों को पनिश किया जा रहा था। प्रोपोगंडा थ्रू प्रेस एंड रेडियो द नाजी रिजिम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया वे क्लियर टू प्रोपोगेट अगेंस्ट द ज्यूस। जर्मन की जो मीडिया थी जो भी प्रचारक सूत्र थे यानी प्रचार जिनके द्वारा जिनके माध्यम से दूसरों तक बात जा सकती है वो सारे ज्यूस के खिलाफ ही थे। द नाजी आइडियाज वर स्प्रेड जो नाजी लोगों के आइडियाज थे वो स्प्रेड फैल चुके थे थ्रू विजुअल इमेज बाई फिल्म रेडियो मूवीज यानी मूवी के द्वारा रेडियो के द्वारा फिल्म के द्वारा इमेज के द्वारा सब जगह नाजी आइडियाज को फैलाया जा रहा था। द ज्यूस वर सोन एज रेड्स एंड